तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर लर्निंग एंड के यूट्यूब चैनल पे आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि मोल एग्जैक्टली होता क्या है और उसका कहां कहां यूज करते हैं, क्या फायदे है, क्या नुकसान है। एनए की वैल्यू 6.022 इंटू 10^23 के बराबर ही क्यों रखते हैं? सर आज का जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मोलर मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं किससे? ये देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा सर, आपसे कोई पूछे कि कोई भी एटॉमिक मास होता है, मान लीजिए आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप क्या बोलते हो सर? आप बोलते हो 1 amu और आप बोलते हो 1 u। सर जो amu है, amu का फुल क्या होता है सर? एटॉमिक मास यूनिट। और यू का फुल क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो आपने ये देखा होगा कि सर एक नया यूनिट है यहां पे जिसको आप एमयू और यू बोलते हो। आप कोई भी एटम ले लीजिए सर, एटमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। अगर आपको बस एटमिक मास बताना है, एटमिक मास क्या होता है? एटमिक मास क्या है सर? इट इज मास ऑफ वन एटम। और इस मास ऑफ वन एटम को हम किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं? या तो सर आप एटमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, इन दोनों यूनिट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक, अब बोलोगे सर कि ये जो एएमयू है, ये जो यू है, ये आया कहां से और इसका क्या रोल है? अब देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इतने छोटे 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 छोटी सबस्टांस होते हैं जिसका सर आप जो भी जनरल भाषा में आप यूज करते हैं, ग्राम या फिर मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम या फिर नैनोग्राम, इन सब में आप नहीं बता पाते हो। ठीक है, अब चलिए, तो इसके लिए एक नया यूनिट बनाया गया जिसको हम एमयू बोलते हैं। ठीक, अब सर ये एमयू कहां से आया इसके आपको हम कहानी सुनाते हैं। कहानी टाइम। अब कहानी है सर, देखिए एक बहुत दूर ना एक गांव है। ठीक, और उस गांव का किसान बड़ा खुश है। अब गांव में एक फार्मर है और वो फार्मर क्या है सर? बहुत खुश है। अब उस फार्मर की खुशी इतनी है, क्यों खुश है? इस बार बहुत सारा वीट का जो क्रॉप है वो बहुत सारा हुआ है। ठीक, अब इतना सारा वीट हो गया, बहुत अंदर गांव है और इस भाई साहब के पास ना तो कोई डिजिटल वाला वेइंग मशीन है और ना ही वो जो पहले यूज करते थे ना सर, जिसको बटखरा बोलते हैं ना, वो ऐसा कोई बाट भी नहीं है, ऐसा कोई वेट भी नहीं है जिससे ये अपनी सारी चीजों के स्टैंडर्ड वेट करके और बाजार में बेच सके। ये इसके पास एक प्रॉब्लम है, बट इसके पास एक छोटा सा बस 1 kg का वेट अवेलेबल था पहले से। कितने का सर? 1 kg का वेट। तो अब ये क्या करता है कि सर 1 kg के वेट से यहां पे 1 kg रखा, इधर कुछ गेहूं डाल दिया, कुछ वीट डाल दिया। ठीक, फिर अब 2 kg हो गया, फिर से कुछ वीट डाल दिया, फिर 4 kg हो गया, फिर से कुछ वीट डाल दिया। आप समझ रहे? उस 1 kg को यूज करके इन्होंने एक वीट का ही क्या बनाया, इन्होंने 10 kg का एक वीट का ही एक वेट बना लिया और इस वेट को यूज करके इन्होंने बाकी सारा वीट मेजर किया। या तो 10 kg का बना सकते हैं या फिर ये 20 kg का बना सकते हैं। ठीक, और इस गठरी को यूज करके ही इन्होंने पूरा जो वीट था इसको मेजर किया। मतलब यहां पे क्या समझ में आ रहा है? यहां पे सर ये समझ में आ रहा है
कि जो वीट था, वीट इज मेजर्ड बाय व्हाट? वीट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेइंग सिस्टम। ठीक, ये ध्यान समझ गए कि सर किसान के पास एक प्रॉपर वेइंग सिस्टम नहीं था, उसने क्या किया, उसने वीट का एक वेइंग सिस्टम बनाया और उसी से ही वेट कर क्या करें, बाजार में वो बेच रहे। पहली बात। अच्छा ये सर अपन दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात है, चलो दूसरा खाने। आप लोग कबाड़ी वाला जानते हैं जो घर के बाहर आता है और क्या लेता है, लेता है सर पेपर, पेपर लेगा पुराना या फिर लोहा टीना, ठीक है वो सब शीशा, ये सब इकट्ठा करते हैं और इसको वेट करते हैं। आप मतलब ऐसे ही आपके सोसाइटी के बाहर या फिर ऐसा कुछ आएगा, लोहा ले लो टीना ले लो, ऐसा नहीं लोहा ले लो, ऐसा मतलब कबाड़ी वाला सबने देखा होगा, सबने देखा होगा कबाड़ी वाला जो पेपर्स लेके जाते हैं घर से। ठीक, अब अगर आपने उनको गौर से देखा होगा सर तो उनके पास एक लोहा का छोटा टुकड़ा मिलेगा, कहीं किसी दिन कबाड़ी में उनको मिल गया होगा लोहा का एक छोटा टुकड़ा या फिर कोई पत्थर जिसको बोलेंगे ये 200 ग्राम है। वो उनका अपना कबाड़ी वेइंग सिस्टम होता है, उसको आपके नॉर्मल जो वेइंग सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। एक छोटा सा लोहा और मिला होगा उसको बोलेंगे सर आधा के जी, कुछ बड़ा सा टुकड़ा और मिला होगा इसको बोलेंगे भाई साहब ये कितना है, 1 kg। आ रही बात समझ में? तो अगर आप कबाड़ी वाले को देखोगे ना जाके, तो उनके पास कबाड़ का ही नहीं होगा, तो कभी देख लेना अभी से, कबाड़ का ही कुछ कुछ पार्ट मिला होता है कहीं ना कहीं कहीं से। उसको क्या बनाते हैं, उसको वेइंग सिस्टम बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वेइंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो यहां क्या कर रहे हैं कबाड़ी वाला, क्या कर रहे हैं सर, जो कबाड़ी वाला है, दिस कबाड़ी वाला इज यूजिंग जो कबाड़ था, कबाड़ टू मेजर व्हाट, कबाड़ जो भी स्क्रैप होता है। ठीक, मतलब कबाड़ी वाला ने कबाड़ का ही पार्ट उठाया और उससे क्या मेजर कर रहे हैं, उससे वो कबाड़ मेजर कर रहे हैं। अब इन लोगों को देख के जो साइंटिस्ट लोग परेशान थे, क्यों परेशान थे कि सर एटम मॉलिक्यूल का वेट इतना कम है कि कोई प्रॉपर वेइंग सिस्टम जा ही नहीं रहा, इनका दिमाग खुला। क्या खुला सर, गेहूं को गेहूं से मेजर किया गया था, गेहूं के एक पार्ट से, कबाड़ को कबाड़ के एक पार्ट से मेजर किया था। ये बोले ना चलो हम एटम को अब एटम से ही मेजर करेंगे, एटम को हम एटम के पार्ट से ही मेजर करेंगे। आ रही बात समझ में? तो जो भी पुअर साइंटिस्ट लोग उस समय थे, उन्होंने इन दोनों लोगों को देख के क्या जुगाड़ लगाया, जुगाड़ ये लगाया कि एटम को एटम से ही मेजर किया जाएगा, कोई अलग एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं बनाया जाएगा। तो क्या क्या, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास आता है। अरे बात समझ में, क्या किया गया, इन्होंने बोला सर एटम्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटम्स, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अनदर एटम, मास ऑफ अनदर एटम, क्योंकि कबाड़ी वाला भी वैसा ही कर रहे थे और क्योंकि गेहूं वाले भाई साहब भी वही कर रहे थे। ठीक, तो एग्जैक्टली सेम तरह एटम को भी क्या किया गया, एटम से मेजर किया गया। ठीक सर, ठीक, बहुत अच्छे। तो अब किसको खोजा गया, तो ये बोला गया कि जो एक यूनिट बनाया आपने जिसको आप एक एमयू बोलते हो और आप एक यू बोलते हो, ठीक, इसकी वैल्यू रखी गई 1/12 ऑफ मास, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब बोलो C12 क्या होता है बेटा, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होता है भैया, वैसा एटम जिसका एटमिक नंबर सेम हो बट एटमिक मास अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है C14 जिसको आप कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, एक होता है C12, एक होता है C14 जिसको आप कार्बन डेटिंग में, एक होता है C12। तो ये सर C12 है जो ज्यादातर पाया जाता है आपके नेचर में, C12 है वो। ठीक है, तो सर 1/12 ऑफ C12 एटम को आपने क्या बोला, आपने बोला एक एमयू
और अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला भैया इससे हम क्या करेंगे, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनको हम इस यूनिट से मेजर करेंगे। आ रही बात समझ में? तो सर एक रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए एक नया यूनिट मिल गया, कौन सा? 1/12 ऑफ C12 एटम, ठीक। सो क्या बोला गया? सो बोला गया 1 AMU। अब एक और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एक और सवाल है कि सर C12 AU मतलब उस समय और भी तो एटम डिस्कवर्ड थे, लाइक ऑक्सीजन हो गया, लाइक नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, लाइक कार्बन हो गया, और भी तो एटम डिस्कवर्ड थे, तो C12 में ऐसी खास बात क्या थी कि आपने C12 भी लिया? ऐसी क्या खास बात थी कि आपने C12 भी लिया? तो सर इसका ये आंसर है कि अगर आप कोई भी एटम का मास उठा के देखोगे, कोई भी एटम का मास उठा के देखेंगे तो सब या तो लगभग इंटीजर के घर है सर, जो भी एटमिक मास है सब क्या है सर, नियर टू इंटीजर या फिर इंटीग्रल ही है। आ रही बात समझ में सर? तो विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ C12 एटम द एटमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स वर आइदर इंटीग्रल और नियर टू इंटीजर, ताकि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल थोड़े से कैलकुलेशंस कम हो और इजी हो। अगर मान लो आपका एटॉमिक मास भी फ्रैक्शंस में होता तो आप तो पागल हो जाते हैं, ऐसे भी पागल हो जाते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि इसके रिस्पेक्ट में 1/12 ऑफ C12 के रिस्पेक्ट में क्या किया गया, जितने भी एटॉमिक मास आ रहे थे सारे कैसे थे, ऑल वर व्हाट, ऑल एटॉमिक मास वर आइदर इंटीग्रल और नियर टू इंटीजर। आ रही बात समझ में? अगर ये नहीं होता तो सर सारे फ्रैक्शन आते और डिफिकल्ट होता कैलकुलेशंस, और आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता नीट और जेके एग्जाम में भी। लास्ट वीडियो मैंने बताया आपको टेबल्स याद करने हैं 1 से 25 तक, और आपको स्क्वायर याद करने हैं 1 से 50 तक, ताकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल सॉल्व करना क्या हो जाए, इजी हो जाए, सो इजी। चलिए सर समझ गए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव क्यों बोला, क्योंकि ये इस C12 के रिस्पेक्ट में आपने बनाया, पहली बात। दूसरी बात, C12 भी क्यों लिया गया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारा जो एटॉमिक मास आ रहा था वो आइदर इंटीजर था और नियर टू इंटीजर था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक, अब सर एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, तो उस रिस्पेक्ट में जो भी आपने देखा होगा कि आप हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 आप याद करते हैं 1 AMU, ठीक है, हीलियम का कितना याद करते हैं सर, 4 AMU के अप्रोक्सीमेटली आप याद करते हैं, ठीक है, बेरिलियम का कितना याद करते हैं सर, 9 AMU याद करते हैं सर। तो वो सारा एटॉमिक मास, ये सब इसके एक एटम का मास था। ठीक, अब आते हैं सर व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब फिर से एक नया सवाल आया, मैंने आपको बोला सर व्हाट इज आइसोटोप, आइसोटोप तो मैंने आपको बताया क्या होता है, आइसोटोप बताइए, आइसोटोप होता है एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सर सेम एटमिक नंबर है इसका मतलब क्या है सर, एलिमेंट सेम है। अगर आपका सेम एटमिक नंबर है तो क्या था सर, आपका एलिमेंट जो था एलिमेंट सेम था, आपका एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। बट एक एलिमेंट में 4 एटॉमिक मासेस है, जैसे अगर आप हाइड्रोजन ही लोगे तो हाइड्रोजन के अंदर क्या आता है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। तो आप बोलोगे सर अगर हम हाइड्रोजन बोलेंगे तो कौन सा एटॉमिक मास ले, तीनों तो हाइड्रोजन का ही, अभी अभी जैसे लास्ट किसने बात किया था कार्बन, कार्बन का 12 भी होता है, कार्बन का 14 भी होता है, तो सर कौन सा मास ले, 12 या 14, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन 16 भी, ऑक्सीजन 18 भी है, कौन सा मास है कि दोनों आइसोटोप प्रेजेंट है, दोनों कार्बन ही है पर दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, दोनों ऑक्सीजन है पर दोनों का एटॉमिक मास
डिफरेंट है, तो सर बोलोगे कि कौन सा एटॉमिक मास ले, कौन सा एटॉमिक मास हम यहां लिखे, कौन सा एटॉमिक मास हम याद करें, झगड़ा हो गया। ये बोले कि मेरा लिखो, 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 तीनों तो हाइड्रोजन ही है, तीनों क्यों नहीं बोलेगा मेरा लिखो। आ रही बात समझ में? तो फिर यहाँ पे ज्ञानी बाबा को आना पड़ा, और वो ज्ञानी बाबा क्या बोले कि भैया हम आप लोगों का एवरेज एटॉमिक मास को ही एलिमेंट का मास बोलेंगे। सब लोग खुश कि इसका 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 जो एवरेज एटॉमिक मास होगा उसी एवरेज एटॉमिक मास को ही क्या किया जाएगा, यहां रखा जाएगा। अरे बात समझ में? सब लोग खुश। बट एक बात बोला गया कि जो एवरेज निकलेगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस इन नेचर, नेचर में कौन कितना प्रेजेंट है इसके रिस्पेक्ट में ही हम एवरेज निकालेंगे। अरे बात समझ में? दिस एवरेज लिखिए सर, एवरेज एटॉमिक मास विल बी विथ रिस्पेक्ट टू अबंडेंस, अबंडेंस मतलब कौन कितना प्रेजेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इन नेचर। अब बोलोगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया, एवरेज तो समझ में आ रहा था, ये अबंडेंस वाला चीज समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बात बोल दी सर आपने। ठीक है, अभी हम आपको इसको समझाते हैं, इससे पहले आपको एक और एग्जांपल करना है। तो सर एग्जांपल ये करना है आपको कि देखिए मान लीजिए विराट कोहली भाई साहब है, ठीक, और ये विराट कोहली 5 मैच में 100 रन मारते हैं, सेंचुरी, ठीक, पूरा पूरा 100 रन 5 मैच में मारते हैं, ठीक है, 3 मैच में 20 रन मारते हैं, ठीक, और 2 मैच पे डक हो जाते हैं, डक समझते हैं, 0 पे आउट, ठीक। तो अगर आपको कोई बोले कि इनका एवरेज स्कोर, एवरेज रन पर मैच कितना है, तो क्या बताएंगे आप ज्ञानी चंद लोग, जरा निकाल के बताइए, वीडियो पॉज कर दीजिए, निकालिए एवरेज रन पर मैच कितना है, टक टक 1, टक टक 2, टक टक 3, निकाल लिया। हाँ चलिए देखिए इधर, कोई ज्ञानी क्या होगा सर, 20 + 100 + 0/3 बेटा ये गलत है, अगर कोई एवरेज सर 3 नंबर है, 3 से गुना कर देंगे और हमारा कहानी चमक जाएगा, तो ये सर क्या है, ये सर सरासर गलत है, ठीक। अब बोलोगे क्यों सर ऐसा कैसे हो गया, देखिए इन्होंने 5 मैच में 100 रन बनाया, ठीक, अगर आपको एवरेज रन निकालना भी है, एवरेज रन निकालना भी है तो क्या करोगे, ऊपर करोगे सर टोटल रन स्कोर्ड, बताइए बेटा, और नीचे क्या करेंगे सर, नीचे करेंगे टोटल मैच प्लेड, ठीक सर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां देखो 5 में 100 मारा तो क्या करें, 5 × 100 करेंगे सर, प्लस 3 में 20 मारा 3 × 20, प्लस 2 में 0 मारा 2 × 0, डिवाइड बाय 5 + 3 + 2। इस तरह के एवरेज को हम एक टर्म आता है उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज, कि सर जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसको आप उतना वेटेज दीजिए, 100 रन तो मारा बट 5 बार मारा हो, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के एवरेज को हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज, कि जो जितनी बार स्कोर हुआ है उसको उतना से मल्टीप्लाई करना। आ रहा बात समझ में? जो जितनी बार स्कोर हुआ है आपको उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या कर पाओगे, टोटल रन आप निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे यही था कि मान लीजिए
कि अगर आप एटम का भी क्या निकालना है, आपको एवरेज एटमिक मास निकालना है, किसी एलिमेंट का मास कितना होगा, तो उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं, XA, XB, XC, मान लीजिए तीन आइसोटोप्स हैं, तीनों का क्या करना पड़ेगा, तीनों का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज एटमिक मास निकालना पड़ेगा सर। और इस एवरेज में जो परसेंटेज अबंडेंस है, मतलब परसेंटेज अबंडेंस, जो भी डाउट होगा बेटा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे हैं, या फिर नया वीडियो बना के वहां डाल देंगे, या फिर हम वहां पे आपको एक्सप्लेन करके डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम, जो भी परेशानी होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक। तो सर एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे, किसके बेसिस पे, परसेंटेज अबंडेंस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहे, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये मत बोलिएगा सर हाइड्रोजन का ऐसा नहीं होता, मैं बस एक सवाल समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं। मान लीजिए सर हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, एक हाइड्रोजन जिसको आप प्रोटियम बोलते हैं, इसका सर परसेंटेज अबंडेंस का अगर बात करोगे तो मान लीजिए सर ये कितना प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 95%, अज्यूम करके बता रहे, ये मत बोलना सर ऐसा नहीं ऐसा होता, बस सवाल समझा रहे मुड़वा, ठीक। मान लीजिए जो ड्यूट्रियम है ये सर 3% प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल बस ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे, और मान लीजिए जो ट्रिटियम है ये सर 2% प्रेजेंट है, तीनों मिला के कितना हो जाएगा सर 100% हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, देखो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबका वेट अगर ये 95% है, अगर 95% है तो इसको इतना इज्जत मिलेगा परसेंटेज में, आ रही बात समझ में, अगर ये 3% है तो इसको इतना ही इज्जत मिलेगा परसेंटेज में, और अगर ये 2% है इसको सर इतना ही इज्जत मिलेगा कहां, परसेंटेज में, आ रही बात समझ, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे सर, अगर आप बात करेंगे तो क्या बात करें, अगर आपको एवरेज एटमिक मास बताना है तो क्या करें, देखिए सर जो भी पहला है ना 95/100 × 1, इसका 95% था ना सर, तो जो भी परसेंटेज है बाय 100 और जो मोलर मास है प्लस, क्या करें 3, ये 3% है सर, तो क्या करिए 3/100 × 3/100 × क्या करें हाँ इंटू 2 कर दीजिए, और ये 2% है तो क्या करिए सर 2/100 × 3। ये बस मैं सवाल करने के लिए बोल रहा हूँ, सही में ऐसा नहीं होता, सही में हाइड्रोजन का परसेंटेज कुछ और है, मैं बस ये सवाल समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब देखो अब क्या करें, ये हो जाएगा सर 0.95, ये हो जाएगा सर 0.06, ये हो जाएगा सर 0.06, और अगर इसकी वैल्यू निकालोगे कितना आएगा बेटा 0.95 + 0.12, क्या आ जाएगा सर 1.70 AAU, आ रही बात समझ, कि सर आपको इस तरह से एक परसेंटेज लेना पड़ेगा। एक अगर जनरलाइज्ड कंडीशन लेंगे, अगर सर बोले सर फॉर्मूला का है, तो अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो सर देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ये है, मान लो कि एक एलिमेंट है एक्स, ठीक, इसका तीन आइसोटोप है, आइसोटोप ए, आइसोटोप बी और आइसोटोप सी, ठीक, और सर इसका मान लीजिए सर ए परसेंट है अबंडेंस, इसका मान लीजिए सर बी परसेंट अबंडेंस है, इसका मान लीजिए सर सी परसेंट अबंडेंस है नेचर में, ठीक। अब अगर इसका आपको एवरेज एटमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है सर, अगर आपको एवरेज
एटमिक मास निकालना है तो क्या करें? इधर देखिए, कुछ नहीं, जो परसेंटेज है a बाई 100 इंटू ए प्लस परसेंटेज बाई 100 इंटू जो एटमिक मास था प्लस इसका परसेंटेज b बाई 100 इंटू पी प्लस इसका परसेंटेज c बाई 100 इंटू सी, और इन सबको जोड़ दीजिए। आ रही बात समझ में? ये एक जनरलाइज्ड केस है सर, जो आपके पास है, और यही क्या आएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास। और एक एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे तो सर यही होगा। आई बात समझ में? किसी एक को नहीं मिलेगा, और ऐसा नहीं कि तीन है तो तीनों का जोड़ के तीन कर देंगे सर। जिसका जितना अहमियत है उसको उतना इज्जत मिलेगा, तो जितना प्रेजेंट है उसको उतना इज्जत मिलेगा। चलिए एक सवाल करते हैं सर। सवाल क्या है? मान लो ये सर एक क्लोरीन है, क्लोरीन का दो आइसोटोप है सर, वन इज क्लोरीन 35 एंड वन इज क्लोरीन 37। क्लोरीन जो प्रेजेंट है इसका सर 75% प्रेजेंट है नेचर में, जो अबंडेंस है जिसको बोलते हैं। अबंडेंस मतलब क्या होता है? कितना प्रेजेंट है नेचर में। इसका अगर आप अबंडेंस का बात करोगे ना सर, तो ये अबंडेंस जो है कितना है? 75%। और ये जो प्रेजेंट है कितना है बेटा? 25%। जरा बताइए सर, एवरेज एटमिक मास मास कितना हुआ? चलिए सर आसान सवाल है। टक टक वन, टक टक टू, टक टक थ्री। टक टक वन, टक टक टू, टक टक थ्री। चलिए सर जल्दी करिए, पॉज करके सॉल्व करिए इसको। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए हम करके दिखाते हैं। इधर आ जाओ, देखो सर, अगर सीएल का तीन है तो क्या होगा सर? अगर आप एवरेज एटमिक मास का बात करोगे, अगर आप एवरेज एटमिक मास का बात कर तो क्या करें? इसका परसेंटेज सर तो 75/100 इंटू 35 प्लस क्या करें? 25/100 इंटू 37। ये क्या होगा बेटा? हो जाएगा 3/4 इंटू 35। ये हो जाएगा सर 1/4 इंटू 37, है ना? कर दो मल्टीप्लाई यार, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा सर 105। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए बाय 4, ये हो जाएगा सर 37/4। सावास और जोड़ दो, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये करने का ही तरीका है, आपको जो ठीक लग रहा है। आ जाएगा सर 35.5 AU। हाँ भाई, कोई दिक्कत? तो सर ऐसे आपको सारा सवाल सॉल्व करना है। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं ये हम एक अलग सेशन करेंगे, जिसमें बस हम आपको सारा न्यूमेरिकल्स कराएंगे इस चैप्टर के ऊपर। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, जो कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट से आपके पास आ जाएगा। आप फॉलो कीजिए इस चैनल को, और आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ्स के लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके डीबीपीज मिलेंगे, और उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे ऑनलाइन आके। तो सब्सक्राइब टू लर्निंग एंड चैनल। अच्छा, ऐसा बोलना होता है क्या? चलो बोल दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। कि सर ये बड़ा मजेदार चीज है कि मोलर मास ऑफ एन एटम क्या होता है और ग्राम एटमिक मास क्या होता है, ठीक। देखिए सर, कहीं भी अगर आप मोलर मास बोल रहे हैं तो, और अगर आप ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर कोई बोले मोलर मास, बच्चे बड़ा कंफ्यूज थे, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया, मोलर मास तो सर समझ में आया, तो जो मोलर मास है वही क्या बेटा? वही आपका ग्राम एटॉमिक मास भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मोलर मास ऑफ एन एटम और ग्राम एटॉमिक मास।
मास। अब देखिए मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मोलर मास का मतलब हुआ सर कि मास ऑफ वन मोल एटम। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है सर, मास ऑफ वन मोल एटम। और ग्राम एटमिक मास का मतलब भी यही होता है सर, मास ऑफ वन मोल एटम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कहने का दो अलग अलग तरीका है। अब देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोजन का मास, सल्फर का मास, ऑक्सीजन का मास, नाइट्रोजन का मास। अगर एक एटम अगर आपके पास है सर तो क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का बोलते हैं सर एक एमयू इसका मास होता है ना। सल्फर का कितना होता है बेटा, सल्फर का होता है 32 एमयू। एक और होमवर्क आप सबके लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, या फिर जेई क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, या फिर सीबीएसई भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं बच्चों, तो एक काम करिए घर जाइए और 1-30 तक जितने भी एटमिक नंबर, एटमिक मास, सिंबल है, ये एटमिक नंबर एटमिक मास, तो एटमिक नंबर और सिंबल सबको याद ही रहता है, तो वो एटमिक नंबर जेड से एटमिक मास और सिंबल, तो चाचा सब जाके याद करिए ताकि ये बार बार पूछना नहीं पड़े। बच्चे कर रहे थे नीट का तैयारी, पूछते सर फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना आया, सोच रहे 30 था, वही जूता पड़ेगा। ठीक है, जाइए और याद करिए, क्योंकि वहां पे एटॉमिक मास दिए रहेंगे बट सबके नहीं दिए रहेंगे, जो भी ऊपर वाले जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसके नहीं दिए होते। ठीक है, और वहां पे आपका पड़ोसी नहीं खड़ा होगा या फिर वहां पे आपके सर नहीं खड़ा होंगे, सर जरा बता देंगे कितना होता है, जाके याद करो गुरबख। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का होता सर 16 एमयू, नाइट्रोजन का होता सर 14 एमयू। अब देखिए अगर इसी का सर एक मोल का मास लिखना है, इसी को सर क्या बोलते हैं आप, इसी को बोलते हैं मोलार मास, और इसी को बोलते हैं क्या सर, इसी को बोलते हैं ग्राम एटमिक मास। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, जो एमयू लिखा था यहां पे, या फिर इसको आप यू से भी लिख सकते हैं, जो एमयू और यू लिखा था क्या करिए, इसको सीधे सीधे किसमें चेंज कर दीजिए, ग्राम में चेंज कर दीजिए। जो एक एमयू होता था वो एक ग्राम हो जाएगा, जो 32 एमयू होता था वो 32 ग्राम हो जाएगा, जो 16 एमयू होता था वो 16 ग्राम हो जाएगा, जो सर 14 एमयू था वो 14 ग्राम हो जाएगा। कुछ नहीं किया सर आपने, आपने एमयू को ग्राम में चेंज कर दिया। तो जब भी अगर आपको ग्राम एटमिक मास बताना है या फिर मोलर मास ऑफ एन एटम बताना है, तो जो भी पहले कहानी यू में चल रही थी वो कहानी अब सीधे सीधे ग्राम में चले। अगर एक एटम का मास एक्स यू है तो एक मोलर एटम का मास क्या होगा, एक्स ग्राम हो जाएगा। जितने भी यू है उनके साथ क्या लगा दीजिए सर, आप ग्राम लगा दीजिए और कुछ मत करिए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। अगर कोई पूछे फास्फोरस, तो फास्फोरस के एक का मास कितना है, आप बोलोगे सर 31 एमयू, और एक मोल का कितना होगा बेटा 31 ग्राम। केमिस्ट्री समझना है, केमिस्ट्री सॉल्व करना है, तो इस चैनल को फॉलो करिए, और जो आपके दोस्त हैं उनको भेजिए, उनको भी ज्ञान मिले, उनको भी समझ में आए केमिस्ट्री किस चिड़िया का नाम। ठीक, समझ गए कि मोलर मास और ग्राम कुछ नहीं करना है, ग्राम एटॉमिक मास से ले बोला क्योंकि ये ग्राम में है, ये जो डेफिनेशन आया ग्राम एटॉमिक मास सीधे ग्राम में चेंज कर दिया था, इसलिए इसको डेफिनेशन उन्होंने डाल दिया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब एक सवाल है सर, कौन सा सवाल बेटा, देखो जब भी आप यूनिट चेंज करते हो, व्हेनेवर यू चेंज यूनिट, अगर आपने एक मिनट से एक आवर किया, यूनिट चेंज किया दोनों टाइम का, तो एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप मिनट से आवर चेंज करो, अगर आप ग्राम से किलोग्राम चेंज करो, अगर आप मीटर से किलोमीटर चेंज करो, तो ये सब आपने यूनिट चेंज किया है। और अगर आप यूनिट चेंज करते हो तो एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर बोलो हाँ या ना,
अरे जब भी यूनिट चेंज करते हैं, अगर आप मिनट से आवर कर रहे हैं, या फिर आप ग्राम से केजी कर रहे हैं, या फिर आप मीटर से किलोमीटर कर रहे हैं, सर तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, बोलो। यहाँ 1/60 से करना पड़ेगा, है ना, यहाँ 1/1000 से करना पड़ेगा, यहाँ फिर से 1/1000 से करना पड़ेगा। अरे हाँ यार, अगर आप यूनिट चेंज करते हो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अरे बात सर, लेकिन बुड़बक यहां तो हमने यूनिट चेंज किया। अगर आप देखोगे सर तो यहां भी हमने यूनिट चेंज किया, यहां भी हमने यूनिट चेंज किया, यहां भी हमने यूनिट चेंज किया, बट कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे बात समझ में। एएमयू भी क्या है सर? मास का एक यूनिट था जो रिलेटिव था। ग्राम भी क्या है सर? मास का। तो इस फंडे से यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बोलो? होना चाहिए। तो क्या हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? सवाल, क्या हमने कुछ गड़बड़ किया? मास का यूनिट एएमयू था, ग्राम में चेंज करते, बट यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो क्या गड़बड़ किया बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे हम आपको सवाल को भी डील करते हैं। आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ हुआ? सर तो गड़बड़ क्या हुआ कि आपने क्या किया, एएमयू को सीधे कहां चेंज कर दिया? सीधे ग्राम में चेंज कर दिया। अगर एक एएमयू था तो उसका मोलर मास सीधे क्या हो जाएगा? एक ग्राम हो जाएगा। यूनिट चेंज नहीं किया, सवाल यह है। चलिए इसको आप समझाते हैं यहां हुआ क्या। अगर आपको समझना है कि यहां क्या हुआ तो आप ये देखिए सर, यहां पे चलो एक सिलेंडर लेते हैं, एक बड़ा सा हमने सिलेंडर लिया, ठीक, और इस सिलेंडर के अंदर मान लो हम एक हाइड्रोजन एटम डालेंगे, ठीक। तो सर इसका मास कितना होगा? आप बड़े प्यार से बोलोगे सर एक एएमयू, शाबाश, बहुत अच्छे, कितने होशियार बच्चे हैं, ठीक। अगर मान लो आपके पास दो हाइड्रोजन एटम डाल दिया इसमें, चलो कितना मास होगा सर? आप बोलोगे 2 एएमयू, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन एटम, अरे कदम बोलो कितना होगा? 3 एएमयू, बड़ा आसान है, ठीक। अगर मान लो इसमें 10 हाइड्रोजन एटम होता सर तो बोलिए कितना होता? आप बोलते सर 10 एएमयू। अरे बात समझ। वैसे अगर इतना सारा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होता तो 6.022 × 10²³ अगर हाइड्रोजन एटम यहाँ डालते तो बोलो सर जितना एटम था उतना एएमयू हो रहा था, ये कितना होता? ये होता सर 6.022 × 10²³ AMU। और मेरे प्यारे गधे बच्चों, ये जो आप देख रहे हो यही तो क्या है? एक मोल हाइड्रोजन एटम है, नहीं मोल नहीं पता, जाके लास्ट वीडियो देखिए, ठीक। यही तो सर क्या है? एक मोल हाइड्रोजन एटम है और इसका मास कितना होता है? 1 ग्राम। मतलब कि सर जो ये वाली वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है, अरे रुको, अब जो ये वाली वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है, दोनों क्या है सर? दोनों सेम वैल्यू है। आ रहा बात समझ में? ये दोनों सेम है तो आप बड़े आराम से, क्यों सर ये 6.022 × 10²³ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 6 का एटमिक तक का मास कितना होगा? 6.022 × 10²। और इसे का मास कितना होगा सर? 1 ग्राम। इजी। अब ये दोनों सेम ही बात तो है सर, कहने का तरीका बदल गया। मींस व्हाट सर? यू कैन इजीली राइट 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ क्या एएमयू, है ना सर? ये एक मोल हाइड्रोजन का वेट था
और ये 6.02/23 हाइड्रोजन का वेट था और दोनों एक ही बात है। और सर यहां से बड़ा अच्छा चीज निकल के आता है कि यहां आप ये बात समझेंगे कि 1 ग्राम/1 mu ही ये वैल्यू है 6.022 × 10^23। ये रेशियो है किसका, ग्राम और एएमयू का, कितना 6.022 × 10^23। इसीलिए जो साजिश है कि आपको केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान करके दिया जाए, इसी साजिश के तहत 1 ग्राम/1 mu कितना है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, तो इसको आप याद रखेंगे। अब वापस आइए, इधर आइए, मतलब अगर आपके पास एक एमयू है और इस एक एमयू में अगर आपने एनए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को एनए भी बोलते हैं, अगर आपने इसमें 6.022 से 10^23 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा सर? ऑब्वियसली 1 ग्राम आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक, अब वापस आते पिछले स्लाइड पे। ठीक, यहाँ पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक एटम का अगर यू में लिया है वेट, तो जैसे आप उसको एक मोल कर रहे हो तो ऑलरेडी ये एटम एनए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ऑलरेडी अभी एक एटम नहीं रह गया, कितना एटम रह गया? 6.022 × 10^23 एटम रह गया, अब ये एक एटम नहीं है, समझे गुड़बा? हाँ सर समझे। यहां देखिए, ये जो देखा आपने, ये जो देखा आपने सर, तो ये जो वैल्यू है अब ये कितना हो गया है, अब ये हो गया है, ये एक एटम था, एक मोल करना है तो ऑब्वियसली कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6.022 × 10^23 टाइम से मल्टीप्लाई होना ही होना है। जैसे ही आप एक एटम से एक मोल कर रहे हैं, ऑलरेडी आप इसको कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 6.022 × 10^23 टाइम्स यही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वैल्यू ऐड होता चला जा रहा है। और जैसे ही आप एमयू को इतना सारा बार ऐड करेंगे या फिर एमयू को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सीधे किसमें चेंज हो जाएगा, सीधे ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो हां सर, जो यहां पे एमयू था, हर केस में एमयू से ऑलरेडी आपने एनए टाइम्स कर दिया है, हर केस में एमयू को ऑलरेडी आपने एनए टाइम्स कर दिया है, ठीक। और तभी ये क्या हुआ, तभी ये ग्राम में चेंज हुआ। जैसे ही आप एक एटम से और एक एटम से एक मोल जाएंगे, ऑलरेडी आपने 6.022 × 10^23 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया है और इसीलिए अब वो क्या हो गया है, अब वो मोल हो गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटमिक मास। कुछ नहीं करना है, एमयू को ग्राम में चेंज करना है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा सर एटमिक मास एंड ग्राम एटमिक मास और मोलर मास ऑफ एन एटम। अब हम बात करते हैं सर मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा बात है बेटा, एक जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ व्हाट सर, एटम्स। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 में 6 कार्बन के एटम है, हाँ या ना बुड़बक बोलो, सारा संगठन करके एक एटम बना रहा है, ठीक। और 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है, ये सारा एटम मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज, और वहां से बना ग्लूकोन डी, जिससे पी के आपको क्या आती है, शक्ति, ठीक। तो ये जो है सर, ये क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बात करोगे तो उस मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के एटम है, सॉरी 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है सर। अगर आप वाटर लोगे, जल, तो जल के अंदर भी 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। अगर आप बात करोगे इसकी अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर भी सर 3 हाइड्रोजन के एटम है और 1 नाइट्रोजन का एटम है। अगर आप बात करोगे इसकी मीथेन की, तो मीथेन में भी क्या है, 4 हाइड्रोजन का एटम है और 1 कार्बन का एटम है।
अरे बात समझ में सर, तो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल डिफरेंट 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 एटम से मिलके बने होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपको इसका मास निकालना है, मान लो एक झोला है, अब एक झोला में आपने चार बॉल्स रखे हैं, बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी, बॉल डी। अब अगर कोई पूछे कि भाई झोला में कितना मास है, तो क्या करोगे? सबका मास जोड़ दोगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। अरे समझे सर? तो यहां पे वही है, एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम है, आप क्या करिए, सारे एटम्स के मास जोड़ दीजिए, खत्म कहानी। और अगर एटम्स के मास जोड़ रहे हैं, आंसर एएमयू में ही आएगा, हर जगह एएमयू 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 जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है इसका वैल्यू? इसका मतलब होता है सम ऑफ, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास? इट इज सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम, या फिर ऑल एटम्स कर लीजिए सर, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक। तो अगर आपके पास C6H12O6 था, ठीक है, छाप लीजिए छाप लीजिए, जो भी चले बोर्ड पे छपते रहना चाहिए, सारा कहानी सारा ओरिएंटेशन सब कुछ छपते रहना चाहिए। और रिवीजन के लिए अगली बार वीडियो को फिर से 2x पे मत देखिएगा, जो आपने नोट्स बनाया बुड़बक उसको देखिएगा, ठीक है। बार बार मेरा शकल देख के रिवाइज नहीं होगा, हम तो समझा दिए, नोट्स बनाइए, नोट्स पे फोकस करिए, ठीक है। ठीक है सर, यहां जाओ सर, जैसे लास्ट लाइन में आपके पास C6, देखिए सर, अगर आपको यहां सबके मास बताने हैं, क्या करेंगे? देखिए C6H12O6 था, तो आपके पास यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास 6 कार्बन के एटम है, तो कार्बन का एटम मास कितना होता है? 12, 12 प्लस 12 हाइड्रोजन के 1 × 12, ठीक, और 6 ऑक्सीजन के, कितना हो जाए सर, 6 × क्या करें 16, कितना वैल्यू आएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, वैल्यू आ रहा है सर 180 एएमयू। आ रहा बात समझ? H2O का अगर बात करेंगे सर, तो दो हाइड्रोजन है, क्या होगा 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है प्लस 8, वैल्यू आ जाएगा सर 10 एएमयू, ठीक है। अगर आप यहां आएंगे, क्या है सर, 3 हाइड्रोजन 3 × 1 प्लस ये क्या आ जाएगा सर, नाइट्रोजन का 14 है, 14 कितना आएगा सर 17 एएमयू। बुड़बक यहां ठीक करना थोड़ा सा, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 18 एएमयू हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। अगर आप CH4 का बात कर रहे हैं तो 4 × 1 प्लस कार्बन का 12 है, कितना हो जाएगा सर 16 एएमयू। आप सर घर पे बैठ के जरा इन सब का एटमिक मॉलिकुलर मास निकालिएगा, C2H5OH, C12H22O11, और सबका एटमिक मास नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा सर। ये वाला ऑक्सीजन का एटमिक मास 16 होता है, 16 और 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 16 × 2 = 18 हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है सर, आगे बढ़े। हाँ सर, अब फिर वही आ रहा है कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है और मोलर मास, सिंपल सा बात है सर, एग्जैक्टली सेम सेम ही चला है कहानी। क्या है कहानी, ये कहानी सेम है सर, कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, वही क्या बोलते हैं आप, मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल बोलते, करना कुछ नहीं है। जैसे आपने पढ़ा सर C6H12O6, सारी कहानी पीछे बता चुके हैं, अगर एक मोल का मास होगा, एक मॉलिक्यूल का मास होगा तो 180 एएमयू होगा, और वही अगर आप एक मोल का मास लिखेंगे, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट मैंने बताया था एएमयू क्या कर दीजिए, ग्राम में चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर 180 ग्राम, कहानी खत्म। अगर आपके पास H2O ही था, लास्ट स्लाइड में हमने निकाला था कितना है, ये 18 एएमयू आ रहा है, क्या कर देना सर आपको 18
ग्राम कर देना है, कुछ नहीं करना है। सीएच फोर का ही बात करेंगे, कितना था 16 एएमयू था, आप क्या कर दीजिए 16 ग्राम कर दीजिए। जैसे आप मोल में चेंज करेंगे क्या कर देंगे, एएमयू को आप ग्राम में चेंज कर देंगे। आ रहा बात समझ में बुढ़बक? ठीक, एसओ थ्री देखिए, एसओ थ्री कितना है सर, जोड़ लो 32 + 3 × 16 है ना सर, हो जाएगा 32 + 48 कितना आ जाएगा 80 एएमयू सर। तो ये है सर 80 एएमयू और ये कितना होगा 80 ग्राम। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, पहले क्या था, ग्राम एटॉमिक मास था कि सर 20 मोल SO3 का मास कितना होगा, तो क्या करेंगे भैया 20 मोल SO3 का मास अगर कोई पूछे आपसे तो क्या करिए, एक मोल का मास 80 ग्राम, तो क्या करेंगे 80 × 20 क्या हो जाएगा 1600 ग्राम। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे देखो, अगर आप आके देखोगे सर यहां एक फॉर्मूला निकल के आता है सर, यहां पे आप यूनिटरी मेथड में काम करते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे आप, करेंगे सर गिवन मास बाय क्या करें सर मोलर मास। ठीक, ये दोनों के लिए हो सकता है सर, ये एटम्स के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के लिए भी हो सकता है, और अगर आप आयंस के लिखना चाहे तो आप आयंस के लिए भी लिख सकते हो। मोलर मास भी किसके लिए हो सकता है, ये सारी कहानी, ये आप एटम्स के लिए भी यूज कर सकते हो, आप मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, और आप आयंस के लिए भी यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आपसे एक सवाल पूछे, कौन सा सवाल, कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड मोल्स ऑफ C6H12O6 प्रेजेंट इन 0.18 ग्राम C6H12O6। समझिए क्या करेंगे सर, फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर आप एंट्री मेथड भी लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे बताओ, आप कुछ नहीं करिए सर, आप करिए 0.18 डिवाइड बाई 180, कहानी खत्म। ये क्या आ जाएगा सर, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल ऑफ C6H12O6। अरे बोलो गुड़बक, हाँ सर बहुत अच्छा, अब वैल्यू कितनी आएगी सर जरा पुट कर लीजिए, ये आ जाएगा सर कितना, कितना लिखे कर लो, देखो कितना लिखे इसको, लिख सकते सर 18 × −2 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते सर 18 × 1 कट जाएगा सर, कितना हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा 10 to the power -3 मोल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर। ठीक है, आगे बात समझ में, एक और सवाल निकाल सकते हैं, फाइंड मोल्स ऑफ सोडियम, इस पे कॉम्प्लेक्स सवाल के लिए हम अलग एक वीडियो ही बनाएंगे, अभी बस हम एग्जांपल ही सवाल कर रहे हैं, फाइंड मोल्स ऑफ सोडियम एटम इन 2.3 ग्राम सोडियम एटम। ठीक है, गिवन मास कितना सर 2.3 ग्राम, मोलर मास कितना सर 23, कितना जाएगा सर 0.1 मोल बड़े आराम से। ठीक है, कल के वीडियो आज के वीडियो दोनों मिला के सर एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें बस हम क्वेश्चंस करेंगे इन सब टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये सारा वीडियो देख के नोट्स बना के प्रिपेयर होके वहां से आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा मोलर मास क्या होता है और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, और देखते सर फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। देखिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, देखो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, लाइक NaCl हो गया, लाइक NaBr हो गया, लाइक CaCO3 हो गया, समझ रहे, लाइक MgCl2 हो गया, बहुत सारा आयनिक कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट
नहीं करता है। आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयनिक कंपाउंड लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक कंपाउंड यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब सर जो काम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल वाले केस में हो रहा था, एग्जैक्टली सेम काम जो आप C6H12O6 का मॉलिक्यूल बनाते थे ना, वैसे ही सर इसका एक फॉर्मूला यूनिट होता है NaCl, जिसमें एक Na का भी आयन हो और एक Cl का भी, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे सर, एक फॉर्मूला यूनिट। यहां पे मॉलिक्यूल भी यूज करोगे तो गलत नहीं होगा, बट ज्यादा सही जो टर्म यूज होता है दैट इज फॉर्मूला यूनिट। एक्चुअली दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अरे बात समझ सर, अगर बोलना है, अगर समझना है तो किसके लिए फॉर्मुलेट किया है सर, इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो टर्म है वो जनरली आप कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हो, इसलिए आप आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल टर्म यूज नहीं कर पा रहे। जो फॉर्मूला यूनिट किसके लिए यूज होगा, वो यूज होगा सर आयनिक कंपाउंड के लिए, जैसे कि NaCl, NaBr, CaCO3, MgCl2 आप यूज कर देते हो मॉलिक्यूल बोलते बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, लोग समझ भी जाते हैं। बट अगर आपको सही टर्म यूज करना है तो क्या है, फॉर्मूला यूनिट है, दिस इज फॉर वन यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक, और सर अगर एक यूनिट आयनिक कंपाउंड का बात करना है तो उसमें जितने भी आयन्स प्रेजेंट है सबका जो रेशियो है उस रेशियो में आपको मिलेगा। वैसे MgCl2 का एक फॉर्मूला कितना होगा, उसमें दो Mg2 प्लस होगा। अरे बात समझ में, एक Mg2 प्लस होगा और उसके अंदर साथ साथ में 2Cl- भी होगा। ये जैसे ही प्रेजेंट करोगे एक फॉर्मूला यूनिट क्या बन जाएगा इसका, MgCl2 का। फॉर्मूला यूनिट इज अनदर वे ऑफ कॉलिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ आयंस, आयनिक कंपाउंड्स। आ रहा बात समझ में, दूसरा तरीका आयनिक कंपाउंड को बोलने का, आयनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का। आप लोग और हम लोग जनरली आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल के फॉर्म में बोल देते हैं, जो पूरा सही नहीं है। ठीक, और देखिए सर फॉर्मूला यूनिट मास, सिंपल सा बात है, आपने जो मॉलिक्यूलर मास पढ़ा तो बेटा अगर NaCl का एक फॉर्मूला यूनिट होगा, ठीक है, दिस इज मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में जिसको आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एक NaCl में कितना है सर, एक Na है और एक Cl है। Na का मास कितना होता है 23, Cl का मास कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा सर 58.5 mu। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइए सर MgCl2 को अगर आपको फॉर्मूला यूनिट मास बताना है कितना होगा, बोलो होगा बेटा ये Mg कितना था 24 प्लस 2 इनटू 35.5 कितना हो जाएगा बोलो 24 प्लस 71 और वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली नहीं पूरा पूरा 95 amu। ठीक सर, तो फॉर्मूला यूनिट किसके लिए यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट हम यूज करते हैं किसके लिए, आयनिक कंपाउंड। आ रहा समझ, फॉर्मूला यूनिट किसके लिए यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो वैसे ही एक आयनिक कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल होगा, जो एक यूनिट होगा, उसका जो मास है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो बच्चों ये सारा सम घर पे करिएगा, इन सब का आप क्या निकालिएगा, इन सब का आप फॉर्मूला यूनिट मास घर से निकाल के लाइएगा। ठीक है, और नीचे कहां लिखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा इन सब का सर फॉर्मूला यूनिट मास कितना हुआ। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास किसको बोलते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो सर आप नीचे जो भी डाउट होगा आप नीचे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, और ये लिखो थैंक यू फॉर बीइंग अटेंटिव बुड़का, तुम्हारा लाइफ में तुम्हारा जिंदगी अटेंटिव आपको होना ही पड़ेगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, और आपके क्या डाउट है, कहां इसको इंप्रूव करना है आप वो भी बताइए। पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब और शेयर करो बुड़बक, बहुत मेहनत चल रहा है वीडियो बनाने में, समझ रहे बात, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।